हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक जिसका नाम होगा परसेंटेज। देखिए परसेंटेज ही क्यों, क्योंकि परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है जिसकी हेल्प से हम बहुत सारे टॉपिक्स को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आपका सी एंड एस आई, आप रेशियो एंड मिक्सचर एंड एलिगेशन, रेशियो प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जहाँ पर हम परसेंटेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए परसेंटेज की तरह दो टॉपिक और हैं आपका, एक तो परसेंटेज हो गया, एक आपका हो गया रेशियो और एक आपकी होगी फ्रैक्शन। देखिए इन तीनों ही टॉपिक की खासियत यह है कि ये तीनों ही कंपैरिजन पे डिपेंड करती हैं। यहाँ आपको कंपैरेटिव वैल्यूज लेनी होती है, कंपैरेटिव वैल्यूज पर ही इनका आंसर डिपेंड करता है। इसका साफ मतलब ये है कि आप अगर इन टॉपिक्स का इस्तेमाल करते हो तो आप क्वेश्चन में जो रियल डाटा दिया गया है उसको लिए बिना भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इनकी जो वैल्यूज़ है वो डिपेंड करती है कंपैरिजन पे। देखिए कैसे, एक बटे दो और मैंने कहा दो बटे चार। अच्छा ये फ्रैक्शन बोल दो चाहे इसे रेशियो बोल दो, बात एक ही है, वन बाई टू, ये वन रेशियो टू और ये टू रेशियो फोर, तो रेशियो फ्रैक्शन कैसे भी बोल दो ने, बात एक ही है। अब देखिए इसका सिंपल मतलब होता है दो में से किसी एक आइटम को सिलेक्ट करना, और यहाँ इस मतलब होता है चार में से किसी दो को सेलेक्ट करना। अगर मैं इसकी परसेंटेज निकालूँ तो परसेंटेज आपको पता ही होगा किसी भी नंबर की परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। यहाँ भी मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये आ जाएगा आपका 50%, और यहाँ आप चेक करोगे तो यहाँ भी कितना आया 50%। तो देखा आपने क्या डाटा पर डिपेंड किया, नहीं उसके कंपेरिजन पर, उसकी कंपेरेटिव वैल्यूज़ पर इसका आंसर डिपेंड किया। दो में से एक लिया था वहाँ भी 50%, चार में से दो लिया था वहाँ भी 50%। तो ये जो वैल्यूज़ हैं इन तीनों टॉपिक्स की वो कंपैरिजन पे डिपेंड करती हैं। इसलिए हम अगर क्वेश्चन में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हम आगे करेंगे जहाँ क्वेश्चन में हम क्वेश्चन की जो रियल वैल्यूज़ है उसको लिए बिना भी हम क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, बात समझ आ गई। अब बात कर लेते हैं, एक तो ये समझ में आ गया कि ये कंपैरिजन पे डिपेंड करता है, दूसरा परसेंटेज का मतलब क्या होता है। देखो परसेंटेज का सिंपल मतलब होता है पर सेंट, मतलब ईच हंड्रेड। तो ईच हंड्रेड पे जो वैल्यू दी गई होती है वही आपकी परसेंटेज कहलाती है। एक तो मैंने तरीका बताया कि आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो, कोई भी नंबर हो परसेंटेज बन जाएगी। जैसे वन, ये कितनी परसेंट है, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना बन गया 100%। मैंने कहा वन बाई टू कितना परसेंट है, 100 से मल्टीप्लाई किया 50%। एक तरीका तो ये होता है। दूसरा होता है ईच हंड्रेड, हंड्रेड पे जो वैल्यू दी गई है, जैसे इसी को लेते हैं वन बाई टू, यहाँ तो टू में से एक वैल्यू ली गई है। मैं अगर ये कहूँ कि 100 मुझे पता लग जाए कि अगर नीचे पे 100 बना लूँ तो ऊपर जो भी वैल्यूज़ ली गई होंगी वही आपकी परसेंटेज होगी। तो मेरे को तरीका पता है कि इसको 100 बनाने के लिए 50 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर भी करना पड़ेगा भाई। ठीक है, समानता का व्यवहार तो करना ही पड़ेगा, तो इसलिए नीचे किया तो ऊपर भी किया। अभी बात कर लेते हैं कि ऊपर आया कितना मल्टीप्लाई 50, नीचे आया 100। तो यहाँ पर आपने देखा 100 पे वैल्यूज़ कितनी है 50। यही हमने पढ़ा कि ईच 100 पे जो वैल्यू ली जाएगी वही आपकी क्या कहलाएगी, परसेंटेज। तो ये कितना आ गया 50%। ठीक है, तो एक तरीका तो ये था सीधा सीधा 100 से मल्टीप्लाई करना है। दूसरा ये है कि आपने क्या कर लिया, नीचे 100 बना लिया। तो जहाँ भी आपसे परसेंटेज पूछे आप नीचे क्या कर दीजिए, नीचे आप 100 बनाइए, कि ईच 100 पे जो वैल्यूज आपको दी जाएगी, जो वैल्यू निकल के आएगी वही आपकी परसेंटेज कहलाएगी। यहाँ तक समझ में आया परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज, रेशियो, फ्रैक्शन, ये सारी कंपैरिजन वैल्यूज़ होती हैं, कंपैरेटिव वैल्यूज़ पे डिपेंड करता है इसका आंसर। ठीक है, तो ये डायरेक्ट भी इसका आंसर निकाल सकते हैं हम। तो अब बात कर लेते हैं जो कंपैरेटिव वैल्यूज़ हैं वो किस नेचर की होती हैं। जैसे मैंने लिया वन बाई टू, अच्छा मैं दो का इसमें डिवाइड दूँ, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, वन बाई टू, तो इसका डिवाइड देने के बाद कितना आया 0.5। मैं आपसे कहूँ कि अभी तीन का डिवाइड दो तो कितना आएगा, तो यहाँ आएगा 0.333, ये चलता रहेगा। तो यहाँ से इन वैल्यूज़ के दो नेचर निकल के आए सामने। पहला नेचर तो ये कि जब भी मैं डिवाइड देता हूँ इन कंपैरेटिव वैल्यूज़ को मैं फ्रैक्शन भी बोल सकता हूँ। तो एक ऐसी फ्रैक्शन जब मैंने नीचे से डिवाइड दिया तो यहाँ पर जो डिवाइड था पूरा पूरा चला गया, मतलब रुक गया, एक स्टेज में आके वो सॉल्व हो गई वैल्यू। एक ऐसा मेरे पास फ्रैक्शन थी जिसमें मैं डिवाइड दे रहा हूँ तो वो रुक ही नहीं रही है, वो क्या है 0.3333 चलती जा रही है। तो इन दोनों नेचर को एक नाम दिया गया, इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मतलब शांत, क्योंकि ये शांत हो चुकी है। ठीक है, पॉइंट के बाद एक डेसिमल
डेसिमल के बाद एक डिजिट तक गई, उसके बाद ये शांत हो गई। बट ये यहाँ पर शांति नहीं हो रही है, तो चलती जा रही है पॉइंट के बाद 3333333 लिखते रहो कहीं तक भी, ठीक है। तो ये अशांत है, इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये कंपेरेटिव वैल्यूज़ के मेरे पास दो नेचर सामने निकल के आए, एक होता है आपका टर्मिनेटिंग, दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। अभी इसको पता करने के लिए, ये पता कैसे लगेगा कि भाई ये जो फ्रैक्शन है वो टर्मिनेटिंग आंसर दे रही है या ये वाली नॉन टर्मिनेटिंग, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है एन डिवाइड बाई 2 की पावर a मल्टीप्लाई 5 की पावर b, ठीक है। अगर कोई भी नंबर इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है, या किसी भी नंबर को हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, तो वो 101% कैसी वैल्यू देगा? टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो अभी इसके बारे में बात करेंगे, अभी थोड़ा इसे साफ कर लेता हूँ। यहाँ तक बात समझ में आई? परसेंटेज क्या होता है, ईच 100 पे ली गई वैल्यूज परसेंटेज कहलाती है। उसके बाद हमने ये भी बताया कि कुछ टॉपिक आपके ऐसे हैं जहाँ कंपेरिजन वैल्यूज ली जाती हैं, कंपेरेटिव वैल्यूज पे ही आंसर डिपेंड होता है। ये तीनों हैं जो हम मिटा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद परसेंटेज का हमने यूज़ भी बताया, भाई बहुत सारे टॉपिक्स में इसका यूज़ होगा परसेंटेज का, इसीलिए तो ये आज हमने स्टार्ट किया है। तो ठीक है, कंपेरिजन वैल्यूज में एक टर्मिनेटिंग, एक नॉन टर्मिनेटिंग नेचर। टर्मिनेटिंग नेचर होगा इसका जो इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है, यहाँ मैं लिख देता हूँ टर्मिनेटिंग। जैसे मैंने कहा 1/20, क्या ये टर्मिनेटिंग वैल्यूज देगा? एक तरीका तो आप डिवाइड दीजिए, डिवाइड दे के पता कीजिए, लेकिन एक तरीका ये है कि आप इस फॉर्मेट में इसको लिख लो। तो मैं इसको लिख लेता हूँ 20 को 5 × 4, उसके बाद ये हो गया 5 × 2 की पावर 2। अब मैं इसकी तरफ देखो थोड़ा और इसकी तरफ देखो, दोनों में क्या है, ये पता लगेगा कि भैया टर्मिनेटिंग की जो कंडीशन थी, जिस जो फॉर्मेट था, उसी फॉर्मेट में हमने इस नंबर को लिख लिया है। तो ये नंबर कैसा हो गया? टर्मिनेटिंग। बात समझ में आई क्यों मेरे भाई? चलो अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, 1/6, क्या ये टर्मिनेटिंग होगा? इसे भी चेक कर लेते हैं। 1/2 × 3, यहाँ देखो 3 आ गया, देखो 3 तो कहीं फॉर्मूले में था नहीं। फॉर्मूले में या तो एन, या तो इस टाइप से लिखा हुआ मिल जाए, या फिर 2 की पावर a केवल इतना हो, 5 ना हो तो भी चलेगा, या फिर एन 5 की पावर b इतना हो तो भी चलेगा। देखिए बात ये जो लिखी हुई है ना, ये वही है, क्यों? क्योंकि यहाँ देखो 2 की पावर a 5 नहीं है, तो यहाँ 5 की पावर 0 रही होगी, और 5 की पावर 0 का मतलब हो गया 1, तो 1 का मतलब तो सिंपली मल्टीप्लाई करें ना करें बात एक ही है। ऐसे ही 5 की पावर b, यहाँ भी 2 रहा होगा, यहाँ रही होगी 2 की पावर 0, और 2 की पावर 0 का मतलब हो गया 1, तो 1 को यहाँ दिखाया नहीं दिखाएंगे कोई फर्क नहीं। कुल मिला के इसी फॉर्मेट में नंबर लिखा होता है, और जो नंबर इस फॉर्मेट में लिखा होगा वही आपका टर्मिनेटिंग वैल्यू देगा, ठीक। तो नॉन टर्मिनेटिंग कौन सी देगा? इन दोनों के अलग जो भी नंबर नीचे आ गया आपका डिनोमिनेटर में, तो वो कैसा बन जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे ये वाला एग्जांपल देखो, 1/6, जब मैंने इसको तोड़ के 2 और 5 के फॉर्मेट में लिखना चाहा, तो यहाँ या तो 2 ही आ जाता, या फिर 2 के साथ 5 आता, लेकिन यहाँ क्या हुआ, एक 3 एक्स्ट्रा आ गया, तो इस 3 ने क्या किया, काम बिगाड़ दिया, तो इसलिए कैसी वैल्यू देगा ये? नॉन टर्मिनेटिंग। 1/7 या 2/7 कुछ भी बोल लो, ये भी कैसी वैल्यू देगा? नॉन टर्मिनेटिंग। बात समझ में आ रही है? यहाँ एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इवन भी हो सकती है, ऑड भी हो सकती है, कोई भी नंबर हो, बट नीचे 2 की पावर a एंड 5 की पावर b का फॉर्मेट होना चाहिए, तभी वो आपका टर्मिनेटिंग वैल्यूज देगा, ठीक। नॉन टर्मिनेटिंग के लिए इन दोनों से अलग जो भी नंबर आ जाएगा वो नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू देगा। जैसे मैं आपसे कहूँ 62/1000, क्या ये टर्मिनेटिंग वैल्यू देगा? या तो डिवाइड कर लो, नहीं कर पा रहे हो डिवाइड, तो सिंपली इस फॉर्मेट में लिख दो 62/, देखो इसका मतलब होता है 125 × 8, और जब आप यहाँ देखोगे तो इसको मैं लिख लूँगा 5 की पावर 3 और 2 की पावर 3, तो देखो इस फॉर्मेट में है कि नहीं है, बिल्कुल है, तो ये कैसी वैल्यू देगा? टर्मिनेटिंग। तो यहाँ तक समझ में आ गया? अगर 2 और 5 इनके अलग जो भी नंबर नीचे आ गया तो वो कैसी वैल्यू देगा आपका? नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे 1/11 कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग है। 1/28, 1 को जो कुछ भी ले लो, 6 ले लो, तो भी ये कैसी देगा? नॉन टर्मिनेटिंग। क्यों? क्योंकि नीचे 7 आ रहा है और 4 आ रहा है, तो 4 तो 2 की पावर 2 बन जाएगा,
लेकिन 7 को हम 5 की पावर में थोड़ी बना पाएंगे, तो इसीलिए ये कैसी वैल्यू देगा, नॉन टर्मिनेटिंग। अच्छा अगर मैं बोलूँ 7/28, अब आप कहोगे सर 28 है तो ये तो 7 आएगा, 7 × 4 तो 7 और ये 7/4 तो यहाँ 7 आ रहा है, फिर तो ये नॉन टर्मिनेटिंग देना चाहिए। नहीं, ये टर्मिनेटिंग देगा, क्यों? क्योंकि भैया 7 से 7 कट भी तो रहा है और कटने के बाद अब फाइनल वैल्यू बची 1/4। अब इसको चेक करेंगे कि ये टर्मिनेटिंग वैल्यू देगा या नहीं देगा। तो 1/4 का तो सिंपल सा फंडा है, इसको लिख दो 1 2 की पावर 2। और हमने क्या बताया, इस फॉर्मेट में एस में या एस में नीचे 2 या 5 की पावर में कुछ आ जाना चाहिए सारा का सारा आइटम। तो देखो यहाँ आ गया 1/2 की पावर 2, तो ये कैसा देगा, टर्मिनेटिंग। बात समझ में आ गई? अगर ऊपर नीचे कुछ कट रहा है तो पहले काट लेंगे, काटने के बाद चेक करेंगे। ऐसा मत करना कि इस तरीके से लिख दो, कहोगे ये तो नॉन टर्मिनेटिंग है। नहीं, यहाँ 7 से 7 कट रहा था तो इसलिए टर्मिनेट हो गया था, तो नीचे 2 और 5 आना चाहिए, ठीक है, इनकी पावर में कुछ आना चाहिए, तो हो गया टर्मिनेटिंग। और उसके अलग जो भी होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, जैसे ये हो गया और भी कुछ भी ले लो अगर नीचे, समझ गए ना? चलो ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अब टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, अब बात कर लेते हैं कि टर्मिनेटिंग जो होंगे, टर्मिनेटिंग में पॉइंट के बाद कितने डिजिट तक हमारा आंसर जाएगा, ये भी तो बहुत बड़ी बात है भाई। मैंने कहा कोई नंबर था मान लो 3, चलो पहले मैं इसको मिटा देता हूँ। यहाँ तक बात समझ में आई? परसेंटेज क्या होती है, ईच 100 पे ली गई वैल्यू, उसके बाद मैंने कंपैरिजन भी बताया कि कंपैरेटिव वैल्यूज़ होती हैं ये। इसके बाद हमने बात की कि जो कंपैरेटिव वैल्यूज़ होती हैं वो दो नेचर की होती हैं, एक टर्मिनेटिंग दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग। फिर हमने बात की कि पता कैसे लगेगा भैया कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, उसके लिए हमने बताया कि नीचे 2 की पावर और 5 की पावर में नंबर लिख जाना चाहिए, जो आपका डिनोमिनेटर है वहाँ से डिसाइड हो जाएगा कि ये टर्मिनेटिंग आंसर देगा या नॉन टर्मिनेटिंग। अब उसके बाद हम बात कर रहे हैं कि जो हमारा टर्मिनेटिंग होगा उसकी वैल्यू पॉइंट के बाद कितने डिजिट तक जाएगी। जैसे 1/2, अरे चल जा, 1/2 तो 0.5, तो ये तो पॉइंट के एक ही डिजिट बाद ख़त्म हो गया। मैं आपसे कहूँ 3/1000, अच्छा ये पहले तो ये पता करो कि टर्मिनेटिंग वैल्यू देगा अभी ये नहीं देगा, बिल्कुल देगा, क्योंकि इसको मैं लिख सकता हूँ 5 की पावर 3 और 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई करे हुए 10 की पावर 3 1000, या इसको आ जाएगा 125, ये आ जाएगा 8 125 8 1000, ठीक है। तो टर्मिनेटिंग वैल्यू देगा ये, टर्मिनेटिंग वैल्यूज़ में जब आप भाग दोगे तो ये आएगा 003। तो पॉइंट के बाद यहाँ 3 वैल्यू आई, तो जो टर्मिनेटिंग वैल्यूज़ है उसमें पॉइंट के बाद कितने डिजिट तक हमारा आंसर जाएगा ये कैसे पता लगेगा, ये भी भैया उसी फॉर्मूले से पता लगेगा। इसी फॉर्मूले से पता लगेगा जो हमें बताएगा कि ये टर्मिनेटिंग वैल्यू है नहीं। तो सबसे पहले वैल्यू टर्मिनेटिंग होगी तभी हम बता पाएंगे पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग में तो पता ही नहीं कहाँ तक वैल्यू चलेगी। तो जो इस फॉर्मेट में होगा नंबर वहाँ पता लग गया, इस फॉर्मेट में ये रहे दोनों नंबर, पता लग गया कि टर्मिनेटिंग वैल्यूज़ देने वाले हैं। उसके बाद पॉइंट के बाद कितने डिजिट तक हमारा आंसर जाएगा वो डिसाइड करेगा यहाँ इन दोनों की पावर बड़ी कौन सी है। इन दोनों में से जो पावर बड़ी वाली होगी और जो भी नंबर वो होगा उतने ही टाइम्स पॉइंट के बाद वो संख्या जाने वाली है। जैसे अच्छा यहाँ पर एक चीज़ याद रखना पड़ेगा कि एन बराबर ऑड नंबर के केस में ये 100% रिजल्ट देगा, और इवन अगर ये नंबर हो गया आपका ऊपर वाला तो वहाँ गड़बड़ हो सकती है, ठीक है। तो इवन क्यों, क्योंकि देखो इवन ले लिया तो यहाँ भी एक इवन नंबर है उससे और ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो बेहतर है कि आप पहले उसे काट लें, वहाँ पर काटने के बाद वहाँ पर जो आंसर आएगा वो आपका सटीक आंसर देगा। तो या तो एन बराबर ऑड नंबर हो तो आपका 100% रिजल्ट आएगा, या फिर अगर इवन है तो इवन को पहले आप क्या करें, 2 से उसे कट कर लें, तो 2 से काटने के बाद जो भी आपका नंबर बनेगा फिर उसको आप इस फॉर्मेट में मैच करेंगे, इस फॉर्मेट में वो बनता है कि नहीं बनता, बनता है तो उसके बाद जो भी पावर बड़ी होगी इन दोनों में से उतने ही टाइम्स क्या होगा, इस डेसिमल के बाद उतने ही डिजिट यहाँ पे आएंगे। तो इसी एग्जांपल को समझ लें, इसी एग्जांपल को मैंने आपको लिख के दिखाया था, इसको मैं लिख सकता हूँ 5 की पावर 3 2 की पावर 3, ठीक है। यहाँ बड़ी वैल्यू कौन सी है, दोनों ही 3 है, दोनों ही एक जैसी हैं, तो यहाँ से मुझे पता लग गया कि अब इसकी जब मैं वैल्यू निकालूंगा इसे सॉल्व करूंगा तो सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर आएगा उसमें पॉइंट के बाद
तीन डिजिट होंगे, देखो क्योंकि पावर यहाँ तीन है। अच्छा, इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? इसका यूज़ होता है क्वेश्चन में, क्योंकि आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन दे देगा, कुछ नंबर लिख के दे देगा, जैसे ये लिख दिया, या फिर आपको लिख दिया कि ये आपको नंबर लिख दिया, बोलेगा कि बताइए जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट इसमें आने वाले हैं। तो आप क्या करोगे, आप इसी फॉर्मेट में लिखोगे, पहले इस फॉर्मेट में लिख के चेक करोगे कि भैया पावर किसकी ज़्यादा बड़ी है। तो जिसकी पावर बड़ी होगी उतने ही आप डिजिट बाद बता दोगे, जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया। बात समझ में आ गई? ठीक है, अभी एक एग्जांपल इसको ले लेते हैं, इसको देखते हैं। तो देखो यहाँ पे 4, ये आ गया 5 की पावर 3, 2 की पावर 3, ठीक है। बट अभी मैंने यहाँ क्या चेक किया, देखो ये इवन नंबर है तो यहाँ भी इवन आ रहा है, तो पहले इसे कट कर लेते हैं। कट करोगे तो ये बचेगा आपका 4, 5 की पावर 3, 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 से ये उड़ गया, तो यहाँ कितना बचा, 1/5 की पावर 3 गुणा 2 की पावर 1। अब ये एक नया नंबर बन गया, नया नंबर क्या बन गया, ये 4/1000 बोल लो, या फिर इसे 1/, ये आप क्या हो गया, कितना 125 दूनी कितने हो गए, 250, ठीक है। या फिर आप इसे काट लो, देखो यहाँ से भी कट जाएगा, 4 × 4, 4 से ऐसे काटोगे तो 250 बार कटेगा, ये आपका एक नया नंबर निकल के आ गया, ठीक है। ये नंबर बात एक ही है, पूछा क्या था हमसे कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट तक इसका आंसर जाएगा, तो मैंने इसको इस फॉर्मेट में लिख लिया, बात एक ही है, दोनों नंबर ये रहे इनका फॉर्मेट। तो यहाँ देखो पावर कौन सी है बड़ी वाली, ये रही 3, तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो इनका आंसर कहाँ जाएगा, पॉइंट के बाद 1, 2, 3, 3 डिजिट तक जाएगा, ठीक है। और समझ में आ गई, जब आप चेक कर लो, चेक करोगे तो आप इसका डिवाइड दो, आप डिवाइड दोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.004, कितनी वैल्यू आएगी 0.004, नहीं तो आप यहाँ से चेक कर लो, 1000 का 4 भाग देंगे तो इतना ही तो आएगा 0.004। बात समझ में आ गई, या तो n आपका ऑड नंबर हो या फिर इवन है, तो पहले क्या कर लेंगे, कट कर लेंगे 2 से, ठीक है। कट करने के बाद फिर जो नया फॉर्मेट बनेगा, देखो कट करने का जो नया फॉर्मेट बनेगा उसमें चेक करेंगे कि कितने पावर सबसे बड़ी वाली कौन सी है, और जो पावर बड़ी होगी उतने डिजिट के बाद आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो ये बात समझ में आ गई आपको, टर्मिनेटिंग के लिए फॉर्मूला है, यहाँ से हमने पता कर लिया कौन सा नंबर टर्मिनेटिंग वैल्यूज़ देगा, वैल्यूज़ पता करने के बाद फिर ये पता करना कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट तक वैल्यूज़ जाएगी, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे बनते हैं जिनसे आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि बताइए पॉइंट के बाद कितने डिजिट आ रहे हैं, ठीक है, डेसिमल के बाद कितने डिजिट आ रहे हैं, तो वो आप क्या बताओगे, इस फॉर्मूले से बताओगे, ठीक है। एन की वैल्यू ऑड नंबर या इवन, इवन के केस में मैंने आपको बताया दिया, इवन को पहले कट करना जरूरी, क्योंकि यहाँ भी इवन नंबर है, ठीक है। तो कट करने के बाद जो भी फॉर्मेट बचेगा उसमें जो भी पावर बड़ी होगी वहाँ से आप निकाल सकते हैं कि कितने डिजिट तक वैल्यू जाएगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि जब भी हम टर्मिनेटिंग वैल्यूज जो आएंगी उनका अगर मैं सम करूँगा, उनका एडिशन करूँगा, तो एडिशन में जो आंसर आएगा उसमें कितने डिजिट आएंगे डेसिमल के बाद। देखिए जैसे 0.1 नंबर है 0.5, दूसरा नंबर है 0.539, तीसरा नंबर है 0.50। अच्छा मुझे ये बताओ, इस वाले नंबर में उस वाले नंबर में कोई अंतर है? नहीं, क्योंकि पॉइंट के बाद जो भी नंबर आता है उसके बाद कितनी भी जीरो आए उनका कोई महत्व नहीं होता। आप ऐसे लिख लीजिए, आप ऐसे लिख लीजिए, इन सब का मतलब भी क्या होता है, सेम। इसका मतलब भी क्या है, पॉइंट के बाद या तो इतनी जीरो सब में लगा दो या इनमें सब में से हटा दो इतनी, बात एक ही है। कुल मिला के ये है कि पॉइंट के बाद कोई डिजिट आता है और डिजिट के बाद जीरो आती हैं तो उनका कोई फ़ायदा नहीं है। आप चाहो तो कितनी भी डेट लगा लो, इसकी वैल्यू उतनी रहेगी जितनी कि इन दोनों की वैल्यू है। बात समझ में आ रही है? तो मैं बात कर लेता हूँ, ये तो दोनों वैल्यू सेम हो गई, तो मैंने अभी इधर क्या ले लिया, 1 ले लिया, ठीक है। अब एक और वैल्यू मैं लेता हूँ, 6935। तो ये कुछ कैसी वैल्यूज़ हैं, टर्मिनेटिंग वैल्यूज़ हैं, ठीक है, जो दशमलव के बाद शांत हो गई हैं, यहाँ पर एक डिजिट के बाद, यहाँ 3 के बाद, यहाँ भी 3 और यहाँ पर 4 के बाद ये शांत हो गई हैं, ठीक है। अगर मैं इनका एडिशन करता हूँ तो एडिशन करने पे मुझे ये पता करना है कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट आएंगे। तो देखो उतने ही डिजिट आते हैं जितने के जो मैक्सिमम डिजिट वाली संख्या होती है। तो डेसिमल के बाद मैक्सिमम डिजिट किस में आ रहे हैं, इस वाले नंबर में, तो उतने ही आपके आंसर में आएंगे। तो देखो आप नहीं आंसर करोगे तो कैसे निकालोगे, ये 5, ये आप करोगे तो ये 13,
एक लगा, 9 और 1 10, 5 15 18, इसके बाद फिर क्या हुआ? नहीं ये इधर, ये ठीक है, 10 13 ठीक है, इसके बाद एक आया, 10 13 13 ठीक है, ठीक है, तो ये इतना आएगा। तो आपने एक चीज़ यहाँ पे नोटिस की, नोट अच्छा देखो, एडिशन करना तो आता होगा, जिन बच्चों को नहीं आता समझ लीजिए यहाँ भी क्या करेंगे हम, उतनी जीरो बढ़ा लेंगे, तो यहाँ एक और बढ़ा ली, यहाँ एक और बढ़ा ली, यहाँ एक और बढ़ा ली, तो इसको सम किया 5, इसको सम किया 13, इसको सम किया तो ये तेरा तुम्हारा 13, वो एक कैरी लगी तो इन सबको जोड़ा तो कितना है 22, 2 इधर और 2 इधर, ठीक है, तो इतनी वैल्यूज़ आई। तो यहाँ पे मैंने नोटिस किया कि सबसे बड़ी वैल्यू मेरी ये थी, ये जीरो तो मैंने लगाई है ऐड करने के लिए, चाहो तो मैं इनको हटा भी सकता हूँ वापस। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा नंबर था ये वाला था, जिसमें पॉइंट के बाद 4 डिजिट दिए हुए थे। अगर मैं यहाँ चेक करूँ तो यहाँ भी कितने आ रहे हैं, 4 डिजिट आ रहे हैं। तो इससे मुझे ये पता लग गया कि जब भी टर्मिनेटिंग नंबर्स जो होंगे उनका अगर एडिशन होगा तो एडिशन में भी डिजिट उतने ही आएंगे डेसिमल के बाद, जितने के जो सबसे बड़ा वाला नंबर होगा जितने उसमें होंगे उतने एडिट मेरे आंसर में आएंगे। क्योंकि देखो इनसे भी क्वेश्चन बन जाता है, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्योंकि मैं अगर एक क्वेश्चन की बात करूँ, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था जो आपके एग्ज़ाम में दिया गया था, क्वेश्चन था आपका, इसको मैं मिटा देता हूँ, देखो ये था आपका क्वेश्चन। इसका उन्होंने पूछा था कि आप इसका सम करके बताइए, तो जब आप इसका सम निकालेंगे तो आपको दिख रहा है ये कितनी बड़ी वैल्यूज़ है, इसका मैं एडिशन करूँगा तो कहाँ जाएगा, कहाँ तक नहीं जाएगा, बहुत लंबा जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं इसको इस ट्रिक से कर सकता हूँ जो मैंने अभी यहाँ पर समझा था कि टर्मिनेटिंग में पॉइंट के बाद कितने डेसिमल तक मेरा आंसर, वो कितने डिजिट तक मेरा आंसर जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिंपली बात करूँ तो ऊपर वाले नंबर को ऐसी रहने कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सारा खेल नीचे वाले का होता है। देखो ये अगर इस नंबर की बात करूँ तो ये है 2 की पावर 12, क्योंकि 2 की पावर 10 होती है 1024, 11 करोगे तो फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दो 20 48, और 12 करोगे तो फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 20 का डबल और 48 का डबल, तो 4096, ठीक है। तो 2 की पावर 12 होगी प्लस 791, 15625, इसका मतलब होता है 5 की पावर 6, 5 की पावर 6, ठीक है। नहीं पता तो आप इसके फैक्टर कर सकते हैं, निकाल सकते हैं वहाँ से ही आगे, प्लस 813, और मुझे ये पता है कि 625 होती है 25 की पावर 2, और 100 का मतलब हो गया 5 की पावर 2 25, और 25 गुणा 4, 4 को ले सकता हूँ मैं 2 की पावर 2। अब इसे और थोड़ा अच्छे तरीके से मैं लिख दूँ तो ये भी 5 की पावर कितनी हो जाएगी, 4, और यहाँ इन दोनों को जोड़ोगे तो 5 की पावर 6, तो ये सिंपली आएगा 5 की पावर 6 × 2 की पावर 2, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई, यहाँ से मुझे ये पता लग जाएगा कि यहाँ पर जो है वो संख्या जो आएगी उसमें डिजिट कितने होंगे डेसिमल के बाद। तो मैंने क्या बताया था, जो भी पावर बड़ी होगी उतने डिजिट आएंगे, तो यहाँ पावर तो केवल एक ही है 2 की पावर 12, 5 तो यहाँ है ही नहीं, मानोगी भी तो 5 की पावर 0, तो यहाँ पावर कितनी है 12। तो यहाँ जो भी आंसर आएगा, मान लो x y z कुछ आ रहा है, फिर लग रहा है पॉइंट, पॉइंट के बाद फिर 0 0 या कोई भी है, तो ये कितने आएंगे पॉइंट के बाद 12 डिजिट, ठीक। फिर मैं इसको ऐड करता हूँ प्लस, तो जब मैं इसका भी डिवाइड दूंगा तो कुछ स्टार्टिंग में आया होगा PRQ कुछ भी मान लो, फिर पॉइंट लगा होगा, पॉइंट लगने का फिर वही 0 0 या कुछ भी होगा, और ये कहाँ तक गया होगा, मैक्सिमम पावर क्या है, यहाँ भी 5 की पावर 6, 2 की पावर 0 मान लो, या 2 की पावर है ही नहीं, तो यहाँ क्या होगा 6, तो ये 6 डिजिट तक जाएगा इसका आंसर। प्लस जब मैं इसका भाग इसमें दूंगा तो यहाँ भी कुछ ना कुछ आया होगा, जैसे मान लो ABC, मान लो पॉइंट 0 0 कुछ ना कुछ
डिजिट आ रहे होंगे इसमें, इसमें भी कितने आ रहे होंगे, तो यहाँ देखो मैक्सिमम पावर कितनी है 6, तो कहाँ तक जाएगा डेसिमल के बाद इसका आंसर, तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट आएंगे इसमें भी 6। अब आपका जो आंसर दे रखा था, तो आंसर देखो ऑप्शन क्या क्या थे आपके, ऑप्शन थे ए ऑप्शन, मुझे वैल्यू याद नहीं है बट उसमें मान लो कि 7, 6, 9 कुछ ऐसे करके दे रखा था, और फिर पॉइंट के बाद लिख रहा था वहाँ पे 12 डिजिट, और फिर यहाँ पे भी कुछ नंबर लिखा हुआ था पॉइंट के बाद, यहाँ लिखा हुआ था 6 डिजिट, और यहाँ पे आपका लिखा हुआ था कोई भी नंबर मान लो एक्स वाई जेड, और पॉइंट के बाद यहाँ लिखे हुए थे 7 डिजिट, और एक ऑप्शन में थे आपके 10 डिजिट पॉइंट के बाद। तो इसमें से बताना था कि हमारा करेक्ट आंसर कौन सा है। तो देखो अब मुझे ये जो मैंने पढ़ा अभी कि टर्मिनेटिंग में डेसिमल के बाद कितने डिजिट आते हैं वो हाईएस्ट पावर से पता लगता है, उसके बाद मैंने सम वाला बताया कि जब भी मैं टर्मिनेटिंग वैल्यूज़ वाले डाटा को सम करूँगा तो डिजिट के बाद डेसिमल के बाद जितने डिजिट मैक्सिमम वाले होंगे टोटल आंसर में भी उतने डिजिट आते हैं। तो यहाँ पर जब मैं ऐड करूँगा तो ये ऐड करने के बाद मान लो कुछ भी आ गया, मान लो एम एन ओ कुछ भी आ गया, पॉइंट जीरो 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 कुछ भी आ गया, आने के बाद यहाँ जो लास्ट में डिजिट आएंगे इस पॉइंट के बाद वो कितने आएंगे, क्योंकि मैक्सिमम किसमें थे 12 इसमें, तो ये आएंगे मैक्सिमम डिजिट 12। तो मेरा आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 12 डिजिट वाला, तो ऑप्शन ए इज माई राइट आंसर होगा। ये बात समझ में आई, अगर आप इस क्वेश्चन को सिंपली करोगे तो बहुत लंबा टाइम लगेगा, ये हो ही नहीं पाएगा, हो सकता है आपसे 5 मिनट ले ले, बट मैं इसे इस ट्रिक से कर सकता हूँ कि मुझे पता है कि ये सारी पावर्स मैं इनको लिख सकता हूँ 2 और 5 की पावर में, तो जब मैंने 2 और 5 की पावर में इन नंबर्स को लिख लिया तो लिखने के बाद मुझे ये पता लग गया कि डेसिमल के बाद इसमें कितने डिजिट आएंगे, क्योंकि मैक्सिमम पावर जितनी होती है उतने डिजिट आते हैं। तो यहाँ पावर बड़ी 12 थी तो यहाँ 12 डिजिट आए, यहाँ 6 थी तो इस वाले में 6 आएंगे, यहाँ 6 थी तो यहाँ भी 6 आएंगे। अब जब मैं इन तीनों नंबर्स को ऐड करूँगा तो मुझे पता है कि ऐसे नंबर्स जो टर्मिनेटिंग होते हैं और जिनमें पॉइंट के बाद पॉइंट के बाद कुछ डिजिट होते हैं, तो ऐसे नंबर्स को जब हम ऐड करते हैं तो वहाँ पर उतने डिजिट आते हैं आंसर में जितने के मैक्सिमम वाले में होते हैं। तो यहाँ मैक्सिमम डिजिट कितने थे, नहीं तो दोबारा समझ लीजिए, देखिए 0.31, 0.413 और 0.5। अब ये तीन नंबर मेरे को ऐड करने हैं, तो बताइए आंसर में पॉइंट के बाद कितने डिजिट आएंगे, तो मैक्सिमम किस में है इसमें 3 डिजिट, तो 3 ही आएंगे। देखिए जब आप इसे ऐड करोगे तो यहाँ 3, यहाँ करोगे 2, 5 और 4, 9 और 3, 12.1। तो देखिए पॉइंट के बाद 3 डिजिट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, तो जो मैक्सिमम डिजिट जिस संख्या में होते हैं उतने ही आंसर में आते हैं। तो यहाँ 12 थे तो यहाँ कितने आ गए थे 12, तो हमने ऑप्शन में चेक कर लिया था। ठीक है, तो आज हमने परसेंटेज को जाना, ईच 100 पे जो वैल्यूज़ होती है वहाँ से हम परसेंटेज पता कर सकते हैं, हमारा जो डिनोमिनेटर है उसे 100 बना करके, या फिर सिंपली कोई भी नंबर है उसे 100 से मल्टीप्लाई करके हम परसेंटेज बना सकते हैं। फिर हमने ये जाना कि परसेंटेज आपका रेशियो और आपकी फ्रैक्शन ये कुछ ऐसे होते हैं जो कंपेरेटिव वैल्यूज़ पे डिपेंड करते हैं, यहाँ रियल वैल्यूज़ क्वेश्चन से लेने की जरूरत नहीं है, जब हम क्वेश्चन करेंगे वहाँ इस फंडे को अप्लाई करेंगे। उसके बाद हमने जाना जो कंपेरेटिव वैल्यूज़ होती हैं वो टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नेचर की होती हैं, हमने ये जाना कि टर्मिनेटिंग के लिए हमने फॉर्मूला बताया था एन डिवाइड 2 की पावर a इंटू 5 की पावर b, इस फॉर्मेट में जो नंबर लिखा होगा वो टर्मिनेटिंग वैल्यूज़ देगा, इस फॉर्मेट से अलग जो भी होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यूज़ देगा। ठीक है, इसके बाद हमने बताया कि एन इवेन ऑड कुछ भी हो सकता है, अगर इवेन है तो पहले उसे 2 से कट कर लेंगे, ठीक है, जो भी बचेगा फिर वहाँ इस फंडे को अप्लाई करेंगे। उसके बाद हमने बताया कि नॉन टर्मिनेटिंग तो बता दिया था, इन दोनों से अलग जो भी वैल्यूज़ होगी नीचे जो भी आएगा 3 आ गया, 7 आ गया, 11 आ गया, मल्टीप्लाई में कुछ भी आ जाए, या तो ये दोनों आए या फिर इन दोनों में से कोई एक आए, तो टर्मिनेटिंग इनसे अलग जो मैंने बोला वो नॉन टर्मिनेटिंग। फिर टर्मिनेटिंग में भी ये डिसाइड करना कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट आएंगे, वो हमने बता दिया पॉइंट के बाद डिजिट पता लगेंगे इसी फॉर्मूले से, ठीक है, कितने डिजिट आएंगे, तो डिजिट वाला भी कॉन्सेप्ट बता दिया। उसके बाद डिजिट को सम करना, सम करने में हमने पाया कि जिस भी नंबर में पॉइंट के बाद जितने ज़्यादा डिजिट होंगे आंसर में भी उतने ही डिजिट आते हैं, तो इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करके हमने इस क्वेश्चन को किया। समझ में आ गया, इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, सिंपली इनको पावर में चेंज किया, पावर में चेंज करने के बाद ये पता लग गया कि सारे टर्मिनेटिंग ही है, और वो क्वेश्चन में टर्मिनेटिंग ही देगा आपको, नॉन टर्मिनेटिंग तो देगा नहीं सॉल्व कराने के लिए। उसके बाद हमने क्या किया, ये पता लग गया कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट आएंगे, तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर 12 तो 12, 6, 6, यहाँ मैक्सिमम पावर 6 तो 6, एडिशन करने के बाद मैक्सिमम डिजिट 12 इसमें, तो आंसर में भी 12 आएंगे, तो इसलिए हमारा आंसर 12 डिजिट वाला करेक्ट हो गया। तो अभी हम इतना ही पढ़ेंगे आज परसेंटेज के बारे में, कल इसके कुछ बेसिक्स क्वेश्चन जानेंगे, उसके बाद जो एडवांस क्वेश्चन, और फिर उसके बाद हर एक चैप्टर के क्वेश्चन जहाँ भी परसेंटेज का यूज़ होता है। ठीक है, तो अगली क्लास में हम ये सब जानेंगे,
आज के लिए इतना ही, थैंक यू।